आदाब। सेंटर ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने, उनके माध्यम से खबर आई है। खबर ये है कि जो 50-50 का फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में कैडर मैनेजमेंट के लिए पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में था, उसको बदल के अब 67-33, जो ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में बाकी सभी स्टेटों में जो कैडर, जिस तरीके से कैडर मैनेज होता है आईएएस का, बिल्कुल उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी होगा। एक तो ये है, दूसरा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि डोमिसाइल को लेकर भी, उस पर भी आज हम बात करेंगे। डोमिसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, डोमिसाइल को लेकर खबर ज़रूर आई है, और चूंकि जम्मू के एक बड़े इंपॉर्टेंट अखबार डेली एक्सेलशियर में खबर आई है, और खबर भी एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ने खुद उसको कंफर्म करा है कि डोमिसाइल जो है उस पर उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हुई है, और आने वाले कुछ ही दिनों में जो है डोमिसाइल को लेकर एक ऑर्डर इशू किया जाएगा। लेकिन अभी तक फॉर्मली कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और दो केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये दो यूनियन टेरिटरीज़ में ये एक हिस्टोरिक स्टेट जो है वो बांट दी गई, और बांटने के बाद ये कहा गया था कि विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल थोड़े ही समय में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इशू किए जाएंगे, और डोमिसाइल की जो डोमिसाइल का एक ऑर्डर जो है जब इशू होगा उसमें कैटेगोरिकली और क्लियरली ये लिखा हुआ होगा कि 15 साल लगातार अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उसके बाद ही जाकर आप जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं कि यहाँ की नौकरियों में हिस्सेदार या यहाँ की नौकरी में भागीदार बन सकते हैं। ये कुछ जो है ये कहा गया था, लेकिन अभी तक, आज जो उसके बाद भी कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डोमिसाइल को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या कोई ऑर्डर आने वाला है, आएगा या नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में कहा गया ये होने वाली है वो नहीं हुई, और बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए गए कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और वो सब कुछ हो गया। तो इसलिए इस यही वजह है कि जिन आम लोगों के साथ हमारी स्ट्रेट लाइन की टीम की बात होती है, वो लोग बड़ा क्लियर और बड़ा कैटेगोरिक ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि डोमिसाइल आएगा या नहीं आएगा। और मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी जम्मू कश्मीर में हैं जिनका ये मानना है कि डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। ये बातें भी करी जा रही हैं कि नहीं, लोग बहुत ख़राब हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत आराम, बहुत सुकून की ज़िंदगी सबको मिल चुकी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं लोग यहाँ फॉलो नहीं करते, तो इसलिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश भर में अगर देखा जाए, आसाम में 20 साल का डोमिसाइल का कानून है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ इस पर बहस की। आप जब आसाम में जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं, उन रिक्रूटमेंट बॉडीज़ में जो रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पर वो एक लाइन लिखते हैं, जिस लाइन में वो लिखते हैं कि उसका, आपका डोमिसाइल आसाम का होना चाहिए। तो जब आप डोमिसाइल में चले जाते हैं इसको समझने के लिए, तो आपको पता चलता है कि 20 साल से अगर आप लगातार आसाम में रह रहे हैं तो तभी जाके आपको वहाँ की नागरिकता मिलती है, और उसके बाद आप वहाँ की नौकरी भी ले सकते हैं, और आप वहाँ पे ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, नागरिकता, आई एम सॉरी, वो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो नागरिकता का तो कोई कानून है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन डोमिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अलग अलग हर स्टेट में लगभग डोमिसाइल है, चाहे यूपी में 2.5 साल का है, 3 साल का है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन डोमिसाइल है। अब चूँकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो अब ये कह रहे हैं कि जी आप डोमिसाइल क्यों, क्योंकि डोमिसाइल ही तो था 35A और 370, तो अब अगर वो ख़त्म हो गया तो अब दोबारा से आप लोग डोमिसाइल क्यों मांग रहे हैं। 35A एक अलग चीज़ थी और डोमिसाइल बिल्कुल एक अलग चीज़ है। 35A एक बिल्कुल पाबंदी लगाता था, डोमिसाइल किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, और अगर आप 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या इसमें ज़मीन भी इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी। और उसके बाद एक और चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लेकर जिस तरीके से अब है कि 15 साल का होना चाहिए, 20 साल का होना चाहिए, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पढ़े लिखे लोग, बच्चे जिन्होंने PhD की हुई है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं, वो लोग छोटे छोटे काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और आपको याद होगा, वो खबर भी आपने स्ट्रेट लाइन पर देखी थी
कि एक पीएचडी किए हुए लड़के ने चपरासी की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, और एक नहीं कई बच्चे हैं जो चपरासी की पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में फॉर्म भरते हैं प्राइमरीली बिकॉज कि उनके पास नौकरियां नहीं है, और सरकारी नौकरी एकमात्र साधन है जिस साधन से लोगों को, खासकर नए बच्चों को जो है, रोजी रोटी कमाने का मौका मिलता है। अब इसका मतलब मामला असल में अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ी परेशानी अगर रियासत जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए जहाँ केंद्र सरकार को बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप्स लगें, यहाँ पर बीपीओज लगें, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जैसे बताया जा रहा है कि जी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप एक इंडस्ट्री लगाएं जिसमें आप चीज़ें बनाएंगे और उन्हें रेस्ट ऑफ द कंट्री में बेचेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा भी आज इतने सारे आपके पास ऑफिसेज हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं जिनको अगर आप दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर से जम्मू कश्मीर में शिफ्ट करें, इस अगर इस नीयत से काम करना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की जो माली हालत है वो और अच्छी हो और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का जो नंबर है वो कम हो, और उसके बाद 15 साल का ये जो डोमिसाइल का हम पीरियड रखें, उस 15 साल के डोमिसाइल के पीरियड के बाद अगर देश भर के अलग अलग राज्यों से बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, अगर वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो जो लोकल रेजिडेंट यहाँ के हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आसाम में आज से 30 साल पहले या 4 साल पहले इतना बड़ा बवाल नहीं होता, लेकिन आज बवाल वहाँ पे है। तो बवाल की वजह क्या है? बवाल की वजह यही है कि जो आसाम का रहने वाला नागरिक है वो आज ये महसूस करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हैं, जो बाकी तमाम एवेन्यूज़ हैं, उन एवेन्यूज़ में जो उसका शेयर है वो कम है, वो कम होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जाहिर सी बात है आप उसके बाद वो जो वहाँ का इनहेबिटेंट है, वो जो वहाँ का रहने वाला है, तभी वो इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है, उसको भी हमें समझना होगा। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि डोमिसाइल को लेकर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब डोमिसाइल आएगा तो किस चीज़ के लिए होगा, और जो डोमिसाइल आ भी रहा है तो क्या इसके साथ वो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आएगी जो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के आम नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देगी, उन्हें नौकरियां देगी, क्या वो सब कुछ होगा? यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं फिलोसफिकल या हवाई बातें करने में यकीन नहीं रखता, ना मैं जज्बाती बातें करने में यकीन रखता हूँ। प्रैक्टिकल बात की जाए जो ग्राउंड पर इस वक्त सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री के लोग जहाँ टैक्स की जो राहत उनको मिली है उसको लेकर बहुत खुश हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं केंद्र सरकार का, वहीं पर ये भी एक हकीकत है कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, और इसी स्किल्ड लेबर को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठे, मेरे पास भी इस वक्त सामने भी एक दो प्रश्न उठे। सरकार के पास इंडस्ट्री के लोग गए, सरकार के पास बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस गए और उन्होंने कहा कि जनाब जो आपने ये 70-30 का रेशो लगाया हुआ है, 90-10 का रेशो है कि 90% नौजवान जो है आपने जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय करने हैं अपनी इंडस्ट्रीज में और 10% आप बाहर से लेकर आ, यह गलत है कानून, यह इससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा कामकाज नहीं चलता, हमें कानून में हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम जिसको जहां से एम्प्लॉय करना चाहें, क्योंकि हमें इंडस्ट्री रन करनी है और इंडस्ट्री इमोशंस पर रन नहीं होती, इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए। आप इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाते कि आपको लोक सेवा करनी है, जनसेवा करनी है, लोक सेवा भी एक मकसद होता है, लेकिन अगर लोक सेवा में प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि उस इंडस्ट्री को लगाने से बेटर है आप उसको बंद ही रखें, आप चलाएं ही नहीं इस तरह की कोई इंडस्ट्री। तो ये भी एक हकीकत है कि इंडस्ट्री के लोग गए और उन्होंने कहा कि 80% लोग हम नहीं लगा सकते, हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर है, क्योंकि आपके पास जो स्किल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो बाहर से जो इंडस्ट्री आएगी भी तो क्या हमारे पास स्किल्ड लेबर है, और जो इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ हैं क्या वो स्किल्ड लेबर तैयार कर रहे हैं, क्या वो लेबर तैयार कर पा रहे हैं, ये वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इनके जवाब नहीं मिलते तो यही परेशानी जो आज आसाम में है, जो देश के अलग अलग भागों में है, वही परेशानी जम्मू कश्मीर में भी होने की संभावनाएं हैं और होगी, जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि अगर आपका एकमात्र स्रोत द ओनली वे टू गेट एम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो अगर सरकारी मुलाजमत ही आपका एकमात्र सोर्स है।
उसके अलावा आपके पास प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी क्रेडिबल या कुछ भी मजबूत नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आप सरकारी मुलाजमतों की ही तरफ आएंगे। और कल जब आपको ये लगेगा कि आपकी सरकारी मुलाजमतों में भी जो आपका शेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगा है, तो जाहिर सी बात है वो परेशानी का कारण बनेगा। तो ये तो एक बात थी डोमिसाइल को लेकर कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मैं आज भी गया, कोई ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, डेली एक्सेलसियर की खबर है, इंपॉर्टेंट अखबारों की खबरें हैं, लेकिन कब तक कंफर्म होती हैं और कब तक डोमिसाइल का ऑर्डर आता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, और जब भी वैसा होगा तो आपके साथ ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, सिविल सर्वेंट्स को लेकर आज एक डेली इसी इंपॉर्टेंट अखबार डेली एक्सेलसियर में खबर आई है। खबर को कंफर्म और उसकी पुष्टि भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOSIN PMO है उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि 6733 जो ऑल ओवर इंडिया है कि 67% ऑफिसर्स जो हैं वो IAS से, डायरेक्ट रिक्रूट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगे, और 33% जो हैं वो प्रोमोशनल कोटा जम्मू कश्मीर में आज के बाद होगा। यानी आपका जो 17% कोटा है वो कम कर दिया गया है। अब 33% जो ऑफिसर्स यानी जो बच्चे केस आज कर रहे हैं, इन बच्चों को IAS में एम्पैनल होने का जो मौका है वो अब कम मिलेगा। 17% मौका कम मिलेगा, 33% ही बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में को क्वालिफाई करा है वो अब इंडक्ट होंगे IAS में। लेकिन आज खबर आई है और खबर के फौरन बाद थलथली मच गई है, KS सर्कल्स में थलथली मच गई है, KPS जम्मू कश्मीर JKPS के सर्कल्स में थलथली मच गई है। दोनों जगह सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है, और अगर ये होगा तो क्या ये 2014 के बाद जो इंडक्शन नहीं हुई है IAS में, क्या ये फॉर्मूला उसी डेट से अप्लाई करा जाएगा या ये 2019 के बाद होगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब जो है ये JKAS ऑफिसर्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर ये 2014 से होगा तो अभी 50 के करीब करीब वैकेंसीज जो हैं ऑलरेडी हैं, 50 ऑफिसर्स कम हैं प्रमोशनल कोटा का, को उस प्रमोशनल कोटा में अभी इंडक्ट होना है। तो अगर मैं थोड़ा सा मामूली सी एक कैलकुलेशन करूं तो वो कैलकुलेशन मेरे सामने दो चीजें लाती है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप तक वो कैलकुलेशन इसलिए पहुंचाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है वो कैलकुलेशन करना, कि हमारे पास 137 ऑफिसर्स हैं, 137 ऑफिसर्स में से चूंकि अब 67% ऑफिसर्स जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूट्स होंगे और सिर्फ 33% कोटा जम्मू कश्मीर का होगा, तो आपका जो फिगर आपका आ रहा है वो आपका आज फिगर आ रहा है 45 के करीब करीब ऑफिसर्स जो हैं, 45 ऑफिसर अब जम्मू कश्मीर से इंडक्ट होंगे सिविल IAS में थ्रू प्रमोशनल कोटा। पहले ये नंबर 67 था, अब 67 से घटकर ये नंबर आपके पास हो गया है 33 यानी 45, यानी 22 जो आपकी वैकेंसीज हैं वो कम हो गई हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे आज मैं पढ़ रहा था डेली एक्सेलसियर में, MOSIN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जहां वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग और वन टैक्स है वहीं पर हमने ये भी कर दिया कि इक्विपैरिटी कि अब 50-50 नहीं होगा, यानी 50% डायरेक्ट रिक्रूट्स आएंगे, 50% केस ऑफिसर्स को मौका मिलेगा कि वो इंडक्ट होंगे IAS में, और उनकी जब इंडक्शन होगी IAS में तो उसके बाद सीनियोरिटी में वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे, और मुमकिन मतलब मुमकिनात में से एक मुमकिनात थी कि केस ऑफिसर्स में भी कभी कोई केस ऑफिसर उस पोजीशन तक पहुंचेगा कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार का चीफ सेक्रेटरी बन सके, लेकिन अब लगता है वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। उम्मीद और तवक्का ये है, अब लगता है कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैंने सिंपल कैलकुलेशन करी हुई है कि अभी जो पोजीशन है उस पोजीशन में आपके पास 75 ऑफिसर्स आपके जो हैं डायरेक्ट रिक्रूट हैं और 62 माफ़ कीजिएगा 62 ऑफिसर आपके प्रमोशनल कोटा से आते हैं। 62 में से अब आपके जो हैं 45 ऑफिसर्स रह गए हैं, यानी आपको 17 ऑफिसर्स, मैं एक्चुअली दोबारा कैलकुलेशन की तो 17 ऑफिसर्स जो हैं वो 17 पोस्टें आपकी कम हुई हैं, वो 17 पोस्टें चली गई हैं डायरेक्ट रिक्रूट्स के पास। ये 50-50 कब से है? एक खबर में ये भी लिखा हुआ है कि ये 50-50 उमर अब्दुल्ला के टाइम से UPA 2 में हुआ था, वो गलत है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये है कि IAS ऑफिसर्स शेख अब्दुल्ला के टाइम में जब वो जम्मू कश्मीर आना शुरू हुए उसी वक्त ये 50-50 तय हुआ था,
कि 50% डायरेक्ट रिक्रूट्स रहेंगे और 50% प्रमोशनल कोटा से आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हालत प्रमोशनल कोटा की बाद में की गई, उस प्रमोशनल कोटा के बारे में फिर कभी आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हैंडलूम डिपार्टमेंट के लोग, किस तरीके से लॉ डिपार्टमेंट के लोग, किस तरीके से टीचर प्रोफेसर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल थे, सियासी तौर पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें किस तरीके से टेक्निकल कोटा के ज़रिए जो है सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बने और उसके बाद आज वो लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, और वो लोग जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके जो लोग अफसर बने थे उनकी इंडक्शन 2014 और आज 2020 से 6 साल से उनकी इंडक्शन नहीं हो रही। वजह 1999 बैच के बहुत सारे ऑफिसर्स कोर्ट में चले गए हैं, उनके बहुत सारे सीनियॉरिटी के इश्यूज़ हैं, वो सीनियॉरिटी के इश्यूज़ अभी तक रिड्रेस नहीं हुए। यही पुलिस का हाल है, दोनों जगह यही हाल है। पुलिस में अभी तक, आईपीएस में अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ 50-50 नहीं हुआ, वहाँ अभी भी 67-33 है, लेकिन सिविल सर्विसेज में 67-33 कर दिया गया है, ये कहना है एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। अब यहाँ पर एक और सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि क्या इसके बाद अब जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट एडवर्टाइज हर साल करती है सिविल सर्विस के लिए, क्या उनका नंबर घटेगा? मेरा अपना ये मानना है घटना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब आपके डायरेक्ट रिक्रूट्स जो हैं वो 67% होंगे और आपकी जो प्रमोशनल कोटा है वो आपका कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो आपकी वैकेंसीज होंगी वो भी आपकी, मुझे लगता है, मेरा अपना अंदाज़ा है, कम होगा। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कुछ केएस ऑफिसर्स का तो ये भी कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम केएस में इसलिए नहीं आते कि हम आईएएस में इंडक्ट हों, हम केएस में इसलिए आते हैं कि हमारी सीनियॉरिटी मेंटेन हो और हम भी आईएएस ऑफिसर्स के पैलर, हमारा एक कैडर है और हम अपने कैडर को ये मानते हैं कि हमारे कैडर में हमारी पोजीशन और हमारी कैपेबिलिटी और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें वो प्रोमिनेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए जिनके हम लोग हकदार हैं। लेकिन जब मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखता हूँ और उसके बाद अगर आप आईएएस और केएस दोनों को आप कंपेयर करते हैं, मुआवजना करते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि बहुत छोटी उम्रों में आईएएस ऑफिसर्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आपको मिलेंगे और उसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर एक केएस ऑफिसर एक लंबे चौड़े समय के बाद आता है, एक लंबे चौड़े अरसे के बाद पहुंचता है। तो या तो जो केएस का प्रमोशन का और बाकी तमाम चीज़ें जो उसमें हैं, कैडर रिव्यू है, कैडर मैनेजमेंट है, या तो ये सारे सिलसिले बिल्कुल ठीक हों, जो परेशानियां आज केएस ऑफिसर्स को आ रही हैं वो ना आए, या फिर जो 6733 का किया गया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अमलाया जाए, यानी कम से कम वो 45 वैकेंसीज जो अब रहेंगी, इन 45 वैकेंसीज को इमीडिएटली फिलअप किया जाए ताकि जो ऑफिसर्स की कमी इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम को भी आ रही है, जिसके चलते एक एक आईएएस ऑफिसर के पास चार चार डिपार्टमेंटों के चार्ज हैं, कम से कम उस कमी को जो है उसको एड्रेस किया जाए और उस कमी को दूर किया जाए। और दूसरा कि अब जो आने वाले बैचेस में आईएएस ऑफिसर्स होंगे, कितने ऐसे ऑफिसर होंगे जो चुनेंगे कि ठीक है जी, हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि किस स्टेट में हमको सर्विस करने के लिए जाना है, तो हम जम्मू कश्मीर को नंबर वन लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। एक तो ये कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा ये 6733 वाला जो ये आज एक दिल्ली से शेयर में खबर आई है, इसके बाद थलथली मची है केएस सर्कल्स में, लोग परेशान हैं, आईएएस केएस ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स परेशान हैं। लेकिन जो ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है और ये बहुत अच्छा फैसला है, इसको लिया गया है और अब यहाँ वही होगा जो पूरे देश भर में हो रहा है। माफ़ करेंगे, लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब जो लोग सर्विस से रिटायर होते हैं वो हर एक चीज़ को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि वो अब सर्विस में नहीं हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचते कि जो लोग इन सर्विस हैं उन्हें कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी उस वक्त होती होगी जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और इस तरह के फैसलों की इन्फॉर्मेशन उन्हें अपने दफ्तर के ज़रिए नहीं, अपने चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए नहीं, अपनी यूनियन के प्रधान के ज़रिए नहीं, बल्कि अखबारों से मिलती है। बहुत सारे फैसले ऐसे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हुए हैं जिनकी खबरें
जिनकी जिनके बारे में पता लोगों को अखबार से चला, सरकार से पता नहीं चला, और सरकार ने बाद में उसका ऑर्डर निकाला। तो ये थी आज की दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, एक अपडेट डोमिसाइल को लेकर और दूसरा अपडेट जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेकर, कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का IAS में इंडक्शन का कोटा था उसको 50% से कम करके 33% कर दिया गया है, 17% कटौती की गई है, और 33% इस नंबर में अब 45 के करीब करीब, 45 के करीब करीब ऑफिसर्स ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से IAS में इंडक्ट होंगे, इतनी ही वैकेंसीज उनकी रहेंगी। अब ये इंडक्शन कब तक होगी, क्या ये इंडक्शन इमिजिएटली होगी, ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक 99 बैच का जो झगड़ा है वो झगड़ा ख़त्म नहीं होता, तब तक ये सारे का सारा सिलसिला थमा हुआ रहेगा। और हाल यही रहेगा कि एक एक ऑफिसर के पास चार चार पांच पांच चार्ज रहेंगे और काम धाम जम्मू कश्मीर का इसी तरीके से चलता रहेगा। यही वजह है कि एक एक ऑफिसर के पास तीन तीन चार्जेस हैं, कि एक ऑर्डर इशू होता है जिस ऑर्डर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी का चेयरमैन डेवलपमेंट कमिश्नर पावर को बनाया जाता है। शायद ऑफिसरों को ये मालूम ही नहीं था कि DC पावर की पोस्ट जो है वो एब्रोगेट हो गई थी उसी दिन जिस दिन अनबंडलिंग हुई थी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। तो यही होता है जब जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं, और फैसले लेने के बाद सूझबूझ के साथ जब आप फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाता है और उस फैसले का लोगों को लंबे चौड़े समय तक फायदा भी मिलता रहता है।